मैं राजू भारती चंद्रपुर शहर से हूँ। हमारी एक फिल्म हमने जो फर्स्ट बनाई है एक मेहनत के हिसाब से, बेरा एक अघोरी फिल्म, वो फिल्म के बारे में कुछ बताऊंगा तो नहीं, बट आप देखेंगे उम्मीद करता हूँ। 28 अप्रैल नेक्स्ट मंथ वो डेट को हम रिलीज कर रहे हैं फिल्म, उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में। तो आप सभी के एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपना प्यार हमें देने की कोशिश करें। बस थैंक यू। बहुत से आते रहते हैं माइंड में, लेकिन मेरे माइंड में जब बेरा एक अघोरी का कंसेप्ट आया तो मुझे ऐसा लगा कि फ़िलहाल तो इंडस्ट्री में जो चल रहा है, एक्शन मूवीज़ चल रही है, कुछ लव स्टोरीज़ चल रही है, कॉमेडी भी चल रही है, तो थोड़ा हॉरर का भी जॉनर हो। तो ये माइंड में रखते हुए, पहले से ही माइंड में रखते हुए हॉरर का, तो मैंने फिर वो स्टोरी लिखी और उसके ऊपर वर्क किया। स्टोरी लिखी, स्क्रीन प्ले लिखी, उसके बाद डायलॉग लिखी, और उसके बाद हमें राजू भारती जी मिले जिनका सपोर्ट और सहयोग से ये फिल्म बन पाई और आज आप लोगों के समक्ष है। और ये फिल्म बेरा एक अघोरी पूरी तरह एंटरटेनमेंट है, लव है, कॉमेडी है, मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, और कुछ ऐसे किस्से हैं जो 500 साल पहले के कुछ बैक में जाता है और फिर 500 साल बाद, ऐसा कहानी है इस फिल्म की जो आप लोगों को मनोरंजन के तौर पर काफ़ी पसंद आएगी। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी ही, और मैं जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये हमारी पहली फिल्म है और फर्स्ट डेब्यू है प्रेम धीराल का, और मैं शक्ति वीर धीराल, हमारा फर्स्ट डेब्यू है। तो बस आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमें मिलता रहे कि आगे हम और भी प्रोजेक्ट करते रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। फॉरेन की, हॉलीवुड की काफ़ी सारे फिल्में हैं, VFX बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, आप देखोगे आपको पसंद आएगा, इतना तो ज़रूर कहेंगे हम। और पूरे फिल्म में VFX और एनिमेशन काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, आपको पसंद आएगा, सभी को पसंद आएगा। थैंक यू। वेल, इट्स अ बिग रिस्क। मैं शक्ति वीर दिराल जी को मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्हीं के वजह से मुझे ये फिल्म का ऑफर मिला, और ये कहानी जब मैंने सुनी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। और सबसे पहले बात यह है कि मैंने इनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, जो मराठी फिल्म, इसके नेक्स्ट मंथ, ओके, मई महीने। सो इन्होंने मेरा काम देखा बहुत खूबी से, इन्होंने मेरा वर्क बहुत अच्छे से, हम एक साथ काम कर चुके, तो उन्होंने एक बारीकी से मुझे देखा कि कैसे एक्टिंग करती है, क्या करती है। तो इन्होंने फिर सेकंड मूवी जो बेरा में ऑफ़र दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो थैंक यू शक्ति वीर दिराल एंड एंटायर टीम फुल। सो एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ भी मैंने काम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली इसमें मेरे कैरेक्टर नेम है एक्चुअली इशिका, राइट, कॉलेज गर्ल, मैडम इनकी गर्लफ्रेंड हो। इस फिल्म में बहुत एंटरटेनिंग है, सस्पेंस है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, थिएटर में ग्लैमर भी है और आपको अच्छा लगेगा। बहुत टाइम के बाद हॉरर फिल्म आ रही है, सो मुझे लगेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कीप लविंग, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बेरा एक अघोरी, नाइस नेम, यूनिक है थोड़ा सा, बट होपफुली टेलर हमें इतना अच्छा लगा है तो मूवी भी बहुत अच्छी होगी और सुपर हिट जाएगी। गाने कैसे लगे आपको? गाना हम मूवी देखेंगे तो बताएंगे कि गाने कैसे लगे, पूरे देखने पड़ेंगे उसके लिए। या वेरी नाइस। फिल्म में आपका क्या रोल दिया जाएगा? जी मेरा कोई रोल नहीं है, हम गेस्ट हैं। ओके मैम जी, आपका म्यूजिक चैनल भी है जी, क्या कुछ बोलना चाहें, किस प्रकार के गाने आ रहे हैं उसमें? हाँ, तो मेरा म्यूज़िक बॉक्स करके, आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग जानते हैं, काफ़ी बार इंटरव्यू लिया है, काफ़ी लोग लॉन्चिंग में भी आए हुए हैं, कुछ चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। सो कोई नहीं, म्यूज़िक बॉक्स म्यूज़िक कंपनी, और ये आपका टी-सीरीज़ के बाजू में ऑफिस है अपना, और काफ़ी गाने रिलीज़ हो चुके हैं और भी आने वाले हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है और हम लोग नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं, जैसे कि राइटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स। सो मोस्ट वेलकम, जो भी सुन रहा है मेरी बात, ये इंटरव्यू जहाँ तक जाने वाला है तो आपको म्यूज़िक बॉक्स की वेबसाइट गूगल पर मिल जाएगी, एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी जगह आएँ और आके अपना टैलेंट आजमाएं, जो भी टैलेंट है आपके अंदर। तो मोस्ट वेलकम इन म्यूज़िक बॉक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गाइस। ट्रेलर तो सीरियसली बहुत धांसू है, जैसा इसका नाम है बेरा एक अघोरी, तो अघोरी सुनते ही ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, भूत प्रेत भी आते हैं, और अघोरी एक अलग ही कंसेप्ट है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था पहले कि इनके बारे में थोड़ा सा जानूँ, समझो अघोरी होते क्या है, तो मतलब इसमें शायद बहुत मसाला मिलेगा ये सब देखने के लिए, नया कंसेप्ट है। मैम अघोरी बोला जाता है, लेकिन क्या तांत्रिक विद्या के लोगों को अघोरी बोला जाता है, इस पर क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स उनको वो तांत्रिक ही कहेंगे, लेकिन तांत्रिक और अघोर में भी दो टाइप के होते हैं, सात्विक होते हैं और एक तामसिक, और ये सब कुछ होता है। शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मैंने जहाँ तक देखा है तो लोग अघोरी थोड़े से अलग होते हैं, अकेले में रहते हैं, उनकी विद्याएं भी अलग है, उनके पता नहीं उनकी लाइफस्टाइल, वो तो दुनिया छोड़ ही चुके होते हैं उनके कहने के हिसाब से, क्योंकि मैं एक बार मिली थी एक अघोरी से, डर गई। आपको भी ताबीज़ के लिए नहीं, एक्चुअली हम उज्जैन गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो वहाँ परिक्रमा होती है जो कि लगाई जाती है पैदल, तो उस परिक्रमा करते टाइम ही ना मैं एक कुटिया टाइप का बना था, तो मेरे जो कजिन थे उन्होंने कहा तो पता है यहाँ अघोरी रहते, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अघोरी कैसे होते हैं, तो चल के देखते हैं। तो अघोरी बैठे थे, अजीब से लंबे बाल, और वहाँ पे ना वो फॉरेन की 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो भी चिलम विलम पी रहे थे, और तब मैं फिल्मों में नहीं आई थी, तो मेरी मम्मी बोलती अघोरी बाबा इसको आशीर्वाद दो मेरी लड़की को, तो वो देखना हाँ ये हीरोइन बनना चाहती है, हीरोइन बन जा, तो उनका ये जवाब था नहीं बनेगी। सुनीति जी, आकांक्षा दुबे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी क्षति हुई है, लाइक सुसाइड किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? आकांक्षा दुबे ना, हाँ अभी मैंने सुना, लिटरली शॉक कि मतलब अचानक से क्या हो रहा है, और वो मर्डर था कि वो सुसाइड किया, मेरे को वो सच्ची में समझ में नहीं आया, क्योंकि सब कह रहे थे कि कुछ दिन लाइव भी थी वो, और शायद सुसाइड से पहले या मर्डर से पहले, आई डोंट नो, वो लाइव भी थी, तो ऐसा क्या अचानक हो गया कि वो कोई सुसाइड कर लेगा, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बट क्यों किया ऐसा। कभी आप मिले थे उनसे, कुछ बातचीत कोई पर्सनली कुछ हुई? मैं सच बोलूँ तो मैं नहीं जानती थी इससे पहले उसको, ना मैं मिली थी, मैंने न्यूज़ में देखा और तब मुझे समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये काम करना इनका स्टार्ट हुआ है, और सडनली ये चीज़ भी हो गई, तो काफ़ी शॉकिंग लगता है, क्योंकि जब कोई ये स्टेप उठाता है तो ये बहुत गलत चीज़ लगती है मुझे, और अगर किसी ने कुछ किया भी है तो मुझे लगता है तो जांच का विषय है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो बेरा एक अघोरी जी प्रोड्यूस किया है, इसको राजू भारती जी ने और शक्ति दिराल, प्रेम दिराल जी ने डायरेक्ट किया है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, जैसे कि आप देख के ही ना ऐसा लगता है, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की है, देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, ट्रेलर देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, तो जब हम थिएटर जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। और मैं पब्लिक से, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने निकट थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें, बहुत प्यार दें, सम्मान दें, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतनी मेहनत करते हैं फिल्म को बनाने के लिए। उसके पीछे जो टीम होती है, मेकअप वाला होता है, हेयर वाले होते हैं, स्पॉट दादा होता है, ये सबकी बहुत मेहनत होती है और बहुत खूबी से इसको बनाया गया है। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को, और अपने निकटतम इसमें जाइए और इस फिल्म को देखिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल टीम। एंड सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सीरियसली ये देख के नहीं लगा कि ये इनकी पहली फिल्म है। मतलब बहुत मज़ा आया ये ट्रेलर देख के, और मतलब कुछ यूनिक और कुछ नया देखने को मिला इस मतलब ट्रेलर में। लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगी, मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगी। और ये मूवी मतलब लाइक सुपर हिट होने वाली है, और मेरी नज़र में तो अभी से सुपर हिट होने वाली है। थैंक यू मैम। मेरा नाम धीरज है, मैं पहले शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो लाउडली बोलिए सर, जोर से सर, जोर से सर। नहीं हो रहा है? नहीं सर, आ रहा है। और लाउडली बोलिए, बोलिए। तो पहले तो बेरा की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ मैं, जो उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड। हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बेरा टीम। भारती साहब को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप कि ये फिल्म सक्सेस के भी ऊपर चला जाए, और ट्रेलर लुक्स रियली नाइस, और फिल्म आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सूरज उश्रा है, एंड मेरी प्रोडक्शन हाउस है फिल्म केयर प्रोडक्शंस। तो इस इवेंट में आके बहुत अच्छा लगा है। स्पेशल थैंक्स टू सतीश पुजारी जी, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन बेरा टीम के लिए और आप लोग के लिए। और मेरा नाम धीरज शेट्टी है, प्रोड्यूसर हूँ दोनों लफ्ज़ की कहानी का। और सतीश पुजारी इन्वाइट करने के लिए उन लोग के लिए मेनी थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पुजारी साहब एक लौते आप पुजारी हो जो कि कुर्ता धोती नहीं पहनता और टीका भी नहीं लगाता है। हाँ, नहीं वो गलती से वो सर ने भी इस तरह का था, पुजारी भी था, और हम लोग एक्चुअली ब्राह्मण्स भी नहीं है। एक्चुअली ये पुजारी है, ओबीसी में आता है, ये नॉट दैट पुजारी है, सब देगा अलग तरीके से। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। नई फिल्म यहाँ पर जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है, बेरा एक अघोरी। आपने ट्रेलर देखा होगा जी, बेसिकली आपके यहाँ ही बन रही थी, तो आपने तो पहले ही देख लिया होगा। इनफैक्ट हमने ही बनाया, हमने बनाया, आपके स्टूडियो में पूरा किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही कर रहे हैं इसका पूरा। तो फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी हमारे पास ही हुआ है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है? मतलब थिएटर में प्लान हम लोग 350 सिनेमा में प्लान कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। इवन यूएई में भी प्लान कर रहे हैं, और यूएस का भी बात चल रहा है इसका। सर मतलब पिक्चर तो बहुत सुपर मूवी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि स्टार्टर्स नहीं नीचे हो जाएगा। देख रहे होते कि हमारा काम ये है, साल में 50-70 पिक्चर हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हर सिनेमा में देखते रहते हैं। एक अलग जोन है, कभी भी क्या होता है इस टाइप के जो सिनेमा होते हैं, जैसे हॉरर सिनेमा होता है या सस्पेंस, हमेशा वो कहीं ना कहीं एक उसमें एक जगह से सर्फिंग कैमरा आ रहा है। तो ये टेलीविजन में उसमें काफ़ी गेस्ट को भी आपने बुलाया है जी, इसलिए कि एक तो सारे इसमें गेस्ट में भी सारे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, कोई फिल्म से रिलेटेड अच्छा है कि जो सब आए, सबको दुआएं मिले, पिक्चर चले। और हम डेफिनेटली कि नए नए जितने भी प्रोड्यूसर आते हैं, हम लोग ऑलवेज उनको हेल्प भी करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, सजेशन से लेके। तो डेफिनेटली हमारा भी फर्स्ट बनता है कि जितना नया प्रोड्यूसर रहेगा उतना नया काम मिलेगा उनको। सतीश जी, आप खुद भी फिल्में काफ़ी सारे बनाने वाले हैं, इनफैक्ट आपने फिल्म बनाई भी है मराठी की, और भी अदर लैंग्वेजेस में भी आप फिल्म बनाने वाले हैं, प्लस आप म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी आ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ यार, डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट फिल्म मैंने बनाया था यारी दोस्ती में, मैं को प्रोड्यूसर था, उसको अदृश्य करके मेरा अपना ऑडियो का एक फिल्म था, जो इंटरनेशनली कम से 12-15 अवार्ड्स भी मिला हुआ है इसको, न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजल्स से लेके। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पिछला 20-25 सिनेमा हम लोगों ने किया हुआ है 5-6 साल में। और आगे भी भोजपुरी, पंजाबी, हिंदी का वेंचर हम लोग है, मे बी ईयर एंड तक 3 पिक्चर रिलीज का चांसेस है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी आपको अंदर ही कहा था लेकिन मैं गुड विशेष देना चाहूँगा प्रोड्यूसर राजू जी को और एंटायर टीम को। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है और ट्रेलर तो बहुत ही लाजवाब है, गाने भी बहुत अच्छे हैं और जो उसकी जो खुशबू है, जो कलर है, जो वो ऐसी महक दे रहा है कि लोगों को एक हट के कोई चीज़ मिलने वाली है और लोग एंटरटेन करेंगे। आई थिंक अभी तक लोगों ने काफ़ी सारी मतलब एक्शन वैक्शन वाली फिल्म दी है, ये जो हॉरर टाइप की फिल्म है ये अभी तक आई नहीं है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, और जो अब आ रही है तो लोगों से मैं जनता से अपील करूँगा कि एक बार जरूर जाके देखें। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है लोगों ने, पूरे एंटायर टीम ने, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका सबका आप सबका आशीर्वाद उनको दीजिए और फिल्म को हिट कर दीजिए। बोलो गाजी, आप फिल्म से जुड़ी हुई हैं या गेस्ट के रूप में? गेस्ट वाली में नहीं, मैं जुड़ी हुई मेरे मतलब मैंने कोशिश किया लाउडली में। जो पोस्टर में आपको अच्छे सवालों के जवाब, मैंने बस कोशिश की। आवाज नहीं आ रही, क्या नाम है आपका पूरा बताइए? सुनीता प्रजापति नाम है और मैंने सिर्फ पोस्टर शूट किया हुआ फिल्म के लिए, लेकिन मुझे फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए। मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ, फिलहाल मॉडलिंग कर रही हूँ, ये देखते हैं। हेलो, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैंने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मेरी हार्ट बीट बहुत हाई थी क्योंकि एक तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका इतना खास है, बहुत ही ज़बरदस्त जिसको बोलते हैं। सो बैकग्राउंड म्यूज़िक एक हॉरर या ऐसे जो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है बेरा एक अघोरी, इसके लिए म्यूज़िक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ जो स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास है और इंडियन कल्चर में अघोरी पाए जाते हैं और होते हैं, तो उनसे जुड़ा एक उनसे जुड़ी इस तरह की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो I am excited for this movie and I hope कि ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. राजू जी, ये पहली फिल्म है आपकी, प्रोड्यूसर के रूप में क्या कहना चाहते हैं आप? यस, हमने नहीं किया, कोशिश की थी एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, पिक्चर बनाने की, और हम हमारे हिसाब से सफल भी हुए और पिक्चर की स्टोरी मिस्ट्री लव मजा कैमरा लुक चीज़ में बहुत ही अच्छी है। आपने के सामने उससे अंदाज लगा सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और प्रेम दिराल के बारे में? बिल्कुल एक्चुअली मैं नागपुर से चंद्रपुर सेंटर पर हमारा नागपुर। प्रेम दिराल से तो बाद में, पहले शक्ति वीर दिराल से मेरा फ्रेंड सर है दोस्ताना, और ऐसे ही कोरोना टाइम में जब बातें वगैरह चर्चा हुई तो मेरा चलो बात करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। वो आपके साथ हिम्मत दी हमको, बाकी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेहनत हुई। आगे तो बुलाओगे सर, सेंटर देखो ना, जब सामने देखिए सर। जी सर बोलिए, आपका सेंटर देखना। आपके जो ट्रेलर ये हुआ है वो बहुत अच्छा है, बेरा एक अघोरी। बेरा एक अघोरी पिक्चर बहुत ही बेस्ट पिक्चर है। मेरी सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए और जो प्रोड्यूसर है राजू भारती जी, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और बहुत ही बेस्ट पिक्चर है और सभी जनों ने देखना चाहिए। थैंक यू। हाँ भाई, चलो ठीक है, सबका रोल है सर। सामने देखिएगा सर, सेंटर कहीं से सवाल आएगा, सेंटर देखना खाली आप। जी सेंटर में देखना है ना, सवाल कहीं से भी आएगा, आप सेंटर देखिए। आप लोगों को सिर्फ सेंटर में ही देखना। तो प्रेम भाई, शक्ति भाई, आप लोगों की नई फिल्म का यहाँ पर ट्रेलर आज लॉन्च किया गया, बेरा एक अघोरी। सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं इस मौके पर, मीडिया से क्या शेयर करना चाहते हैं? जी, ये फिल्म बेरा एक अघोरी, हमारा मकसद ये रहा है कि कई दिनों से, कई सालों से भी हम देखते आ रहे हैं कि एक्शन फिल्में आती है और लव स्टोरी वाली फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में हैं, लेकिन आप गौर करोगे तो हॉरर फिल्मों का जो कारवा है या हॉरर फिल्मों का जो कंसेप्ट है वो बहुत कम आता है। तो हमारे मन में, मेरे मन में ऐसा आया कि हॉरर पे एक फिल्म लिखी जाए, तो फिर मैंने हॉरर के ऊपर सोचा कि बहुत सी फिल्में हॉरर पे आती है, तो मैंने कुछ अलग कंसेप्ट क्या हो सकेगा, तो वो मैंने सोचा। तो मेरे माइंड में आया कि अघोरी, अघोरी का कुछ ऐसा कंसेप्ट हो कि लोगों को भी कुछ अलग लगे, हटके लगे। क्योंकि बहुत से बार ऐसे होते हैं कि चुड़ैल की है फिल्म, भूत की है, पिशाच की है, लेकिन अघोरियों के ऊपर बहुत कम बनी है। तो मेरे माइंड में ऐसा आया। तो अघोरी के साथ साथ भूतों का भी यहाँ पर कुछ ऐसा कारवा है जो काल्पनिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो अघोरियों और कुछ आत्माओं का ऐसा कुछ कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है। और उनके बीच हम कॉलेज के जो सीनियर कॉलेज के लड़के लड़कियाँ होते हैं तो हीरे की खोज में जाते हैं। और कहानी का मकसद ये है इसमें कि 500 साल पहले का एक एरा दिखाया गया है और 500 साल बाद का, तो जिसकी वजह से ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और फिल्म, और लोग इन्जॉय करेंगे। क्योंकि 500 साल पहले का भी जो कारवा दिखाया गया है उसमें भी लोगों को एंटरटेन होगा, उसके 500 साल बाद का जो कारवा दिखाया गया है और हम हीरे की खोज में निकलते हैं, तो वो कारवा लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस थिएटर तक आए और हमारी फिल्म को सराहे और हमारी फिल्म को देखें। प्रोजेक्ट आप बताएं, आपका कैसे सिलेक्शन हुआ इस फिल्म के लिए, क्या कहना चाहोगे, कैसा किरदार है आपका? बेरा फिल्म में मेरा जो किरदार है, इशी का नाम है इस फिल्म का, जो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाई गई हूँ और इनकी गर्लफ्रेंड दिखाई गई इस फिल्म में। जिससे पता चल जाता है कि 500 साल एक हीरा जब सुनते हैं हम, तो बहुत हम सारे स्टूडेंट सरप्राइज़ होते हैं। तो किस प्रकार के हम उस पर खोजने के लिए, जैसे कि हीरा हमने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं होता है, जब सुनते हैं तभी सरप्राइज़ होते हैं। पर किस तरीके वहाँ से पहुँचते हैं, कैसे मुसीबत पे सामना करते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है हमारे बीच में, तो ये कहानी आपको इस फिल्म में दिखाई मिलेगा। और एंटरटेनिंग है, ग्लैमर है, और काफ़ी टाइम के बाद एक हॉरर फिल्म आई है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली मुझे एक्चुअली ये फिल्म मुझे ये शक्तिवीर दिराल सर ने ऑफ़र की है। इन्होंने मेरा काम देखा है तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे सेकंड मूवी में काम करोगे। तो ये मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है मेरा जो इनके साथ। सीरियसली मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, स्पेशली आप। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लविंग। प्रेम जी, आप डायरेक्ट भी किया है और आपको डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्चुअली हमारा ये पहला फिल्म है कि लोगों के नज़रों में हम सही ठहराए जाए, और ये पहला हमारा फिल्म होने की वजह से काफ़ी सारे टफ चीज़ें हमारे सामने आई, और ऊपर से हॉरर में बहुत ज़्यादा एक्टिंग, बहुत वीएफएक्स और एनिमेशंस के शॉट्स थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे सामने हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, और फिर भी हम नया कदम रखने जा रहे थे और हमें ऐसा कंसेप्ट मिला कि हमें चैलेंजिंग था, तो भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निभाया है। और ये हम ही नहीं, एज अ डायरेक्टर के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म जब भी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएगी या लगेगी, तो वाकई में आप देखना, उसके बाद हमें रिव्यू देना या हमें जो मैसेज करना है आप करें तो ये बेहतर है। क्योंकि ओवरऑल डायरेक्टर हो या फिर राइटर हो या फिर एक्ट्रेस हो, जितने भी फिल्में बनाते हैं तो वो उनका जो फिल्म होता है वो उनको तो अच्छा ही लगता है। और मैं एज अ डायरेक्टर के नाते कहना चाहूँगा सभी से कि इस फिल्म को, इस ट्रेलर को देखें, हमारे सॉन्ग्स को देखें, देन फिर फिल्म देखने जाए, और देखने के बाद हमें रिव्यू करें या हमें फिर सराए। मैं पहले नहीं चाहूँगा कि हमें पहले ही जज कर लें, पहले ट्रेलर देखे, सॉन्ग्स देखे, उसके बाद हमें आशीर्वाद दे सभी का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये पहला कदम है, आपका सबका प्यार हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं मांग के ले रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि आपका सबका प्यार हमें दो, कि हम आगे चल के और से अच्छा फिल्में या अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएँ। शक्ति भाई, आपने कभी एक्चुअली ये सॉन्ग्स और म्यूज़िक, शक्ति जी और मैं, हम दोनों हैं इस म्यूज़िक बनाने वाले एक्चुअली। हाँ, दोनों मिलकर बनाया है, तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा इसके सॉन्ग्स सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेकर सभी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। हमारे से जितना बन पड़ा है, जितना हमें मेहनत करना था, हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और वाकई में आपको पसंद आएगी, ये आशा करते हैं। शक्ति भाई, कभी आपके यहाँ पर आपने कभी सुना कि भाई यहाँ पर गांव में अक्सर कहा जाता है यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है, तालाब के पास भूत होता है, कभी ऐसे किस्से आपने सुनी या किसी ने आपसे दावा किया कि भैया मैंने तो भूत देखा है? जी, ये तो बिल्कुल बचपन में नानी के किस्से और बचपन में सही में सुने हैं ऐसे, और बचपन में बड़ा डर भी लगता था। जब हम बचपन में ये कहानियाँ सुनते थे हमारे दादी से तो काफ़ी डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब हमको लगा कि नहीं, ये एक काल्पनिक कहानियाँ होती है। और कई लोगों का कहना है कि हमने देखे हैं, पर हम तो विश्वास नहीं कर सकते। अभी जिस पड़ाव पे हम आए हैं तो विश्वास तो नहीं है, क्योंकि हम इसे बढ़ावा नहीं देना चाहते कि लोग बुराई की तरफ जाए। हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं। काल्पनिक स्टोरी मैंने पहले ही कहा था, तो हमारा मकसद है कि लोग भी पॉजिटिवली लें। बस ये काल्पनिक स्टोरी है और एंटरटेनमेंट है। प्रेम भाई, रिलीज़ की क्या तैयारी चल रही है? कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं आपको पूरे पैन इंडिया में? जब आप फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं 28 अप्रैल को, तो कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आपकी फिल्म रिलीज़ की? हाँ जी, आपको बताते समय हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। एक्चुअली हमारा पहला कदम है, पहला फिल्म है, और ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने जा रही है। हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। बस ये बताइए, इंडिया में नहीं बाहर भी लगने जा रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन है इसमें, तो आपको पता ही चलेगा कि क्या है। थैंक यू। आज मैं ये बेरा मूवी के ट्रेलर लंच पे आई हूँ, और ट्रेलर देख के लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। एंड एज एन एक्टर एंड एज एन डायरेक्टर सबको देख के बहुत अच्छा लगा, और ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। होप करते हैं मूवी भी सुपर हिट हो जाए। वर्ल्ड वाइज कर रहे हैं रिलीज़, तो मैं सारा ये बेरा द अघोरी टीम को पूरे तहे दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ, और बहुत कामयाबी मिले। और सारे नए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको अगला प्रोसेस के लिए, अगला कदम चालने के लिए ये उनका अच्छा फर्स्ट स्टेप मिले उन लोगों को। तो मैं सब टीम को कंग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, और स्पेशली मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना सब हमारे सब कुछ दुनिया के सामने में मीडिया ही लेके आती है, तो ऑलवेज मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट वर्क एंड कंग्रेचुलेशंस।